यानी क्षेत्रीय वन अधिकारी फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं महाराजपुर पौशाला में होने वाले कार्यक्रमों का मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बात होती है कि हम नर्सरी क्यों डेवलप करते हैं, नर्सरी का उद्देश्य क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आदर्श पौशाला सफल वृक्षारोपण की कुंजी होती है। पौशाला की हर एक एक पौध सफल वृक्षारोपण के सफलता में योगदान देती है। अब इसके उद्देश्य क्या है? पौशाला के उद्देश्य का सबसे पहला उद्देश्य यह है कि वृक्षारोपण की सफलता प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य यह है कि वनों में उत्पादकता में वृद्धि। उसके लिए ये पौशाला स्थापित की जाती है। जाहिर सी बात है, जब मैंने कहा कि आदर्श पौशाला वृक्षारोपण के सफलता की कुंजी है, तो हमारा पौशाला निर्माण में, पौशाला में पौध उत्पादन में हर काम के उद्देश्य के पीछे पौध की सफलता ही होनी चाहिए। अब मैं आपको पौशाला के प्रकार के विषय में बता दूं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यतः तीन प्रकार की पौशालाएं पाई जाती हैं। पहली है परंपरागत पौशाला, दूसरी है उच्चीकृत पौशाला, तीसरी है उच्च तकनीक पौशाला। आज मैं महाराजपुर पौशाला में आपको जो परंपरागत पौशाला के अंतर्गत आती है उसके विषय में मैं बात करना चाहूँगा। हाँ, तो मैं इसकी प्रथम कड़ी में आपको मैं दिखाना चाहूँगा इसका नर्सरी का लेआउट। पिक्चर बनी थी।
सब्जी चल रही है समर से बुला लें बस अब छोड़ दो ही हमने काटो बंद कर दो मट्टी डाल दो बंद कर मिट्टी भर दो मट्टी भर दो बस ऐसे रखते जाओ उठा के आप एक साइज की बढ़िया पौध रखो तीन चार पौधे उसको वहीं रख दो हाँ बस वही रखो अभी पौधे किनारे एक साइज का पौध सुरेश एक साइज का पौध दे इनका ये लगाओ इधर ये जो लगा रहे हैं देखो ये मोनू ले ये एक साइज का रखो एक साइज वो बड़ी वाली रखो हाँ ले रहे सर ये भी ले रहे हैं सीधा लगा सीधा बढ़िया से लगा ये बड़ी बड़ी हाँ बड़ी वो उसको नहीं बड़ी पौधे यार चलाइए चलाइए बगल वाला इधर ये कटिंग हो गई का देख लियो ये हाँ वो भी कर निकाल ले लो पहले क्योंकि ये पौधा बढ़िया चल रहा है नेड़ पे जो रखा है देखो ये पूनिंग की है इसको भी ले लेंगे पिंडी चली होगा पिंडी पूरे वहाँ से मदर बैठ पिंडी जो बड़ी है वहाँ पर भाई शुरुआत तो मदर बैठ चालू है ना देश देखते Thank you.
ताजा पानी पिलाओ ताजा ट्यूबवेल चल रहा है नहीं चल रहा चल रहा वहाँ पानी पिलाओ ट्यूबवेल वाला थोड़ा सही ना शुद्ध पानी पिलाओ इसी में खोदो जो इधर खुदा था उसी में मारती तू इधर मारो इधर जैसे वो देखो वो ठीक कर रहे हैं।